मुझे वो देना आरंभ कर दिया और यह रोज की तरह अपना तुलसी अर्चन करने लगा। तो आखिरी दिन जिस दिन तुलसी अर्चन का आखिरी दिन था, वो भगवान विष्णु की चरण में गया, मेरी गुरु आज्ञा से प्रभु मैंने ये तुलसी अर्चन किया, आज आप दर्शन नहीं देंगे तो मेरे गुरु के अपमान के साथ साथ मेरा भी अपमान हो जाएगा। अगर आप और एक घंटे में दर्शन नहीं दिए तो मैं मेरे गुरु के अपमान को तो सहन नहीं कर सकता, मैं यहाँ ही प्राण त्याग दूंगा। ऐसा ब्राह्मण ने अपने दिल में एकदम ठान ली और उस तुलसी के भगवान के सामने बैठ गया। देखते क्या है कि ऊपर से पुष्पक विमान आया, विष्णु दूत और विष्णु सब लोग बैठे हुए थे और उस ब्राह्मण को उन्होंने पुष्पक विमान पर बिठाया और ले जा रहे थे। तब देखते क्या है कि वो विष्णु का पुष्पक विमान उस यज्ञशाला से उसके ऊपर से जा रहा था। मुद्गल ऋषि ने और उस राजा चोर राजा ने देखा कि वो पहले से मेरे विष्णु वैकुंठपुर जा रहा है, उसे वो तो उसमें बैठा हुआ है पुष्पक विमान में। उसने मुद्गल ऋषि के कारण राजा चोर राजा ने देखा, धिक्कार है ऐसे यज्ञ को जो मुझे प्रसन्न नहीं हुआ, और मुद्गल ऋषि को कहा। एकदम कहते ही उसको भी अपमान हुआ, उसने कहा कि हे विष्णु, आज आप अगर प्रत्यक्ष नहीं हुए, मैं भी तो एक गुरु परंपरा में रहता हूँ। और उसने अपनी शिखा उखाड़ी और यज्ञ में डाल दिया। जैसे ही शिखा उखाड़ कर यज्ञ में डाल दी, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा कि अहंकार वाली बात तुम दोनों के रहने के कारण प्रसन्न हुए, पहले उसको हूँ और बाद में मैं वहां तुम्हें भी गुरु है। और आज भी कहते हैं कि जो मुद्गल गोत्री है वो शिखा नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने शिखा अपने टिकने कुंड में अर्पण कर दी है। मुद्गल गोत्र वाले कभी भी शिखा नहीं रखते आज भी। और इसके बाद उस ऋषि की परंपरा ने आज भी आप कांचीपुरम में जाओ तो जो मुद्गल गोत्री है वो शिखा नहीं रखते। और भगवान विष्णु ने जो गुरु की आज्ञा से काम करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि गुरु की आज्ञा मानते हैं। गुरु अपना है, गुरु मेरे जेब में रहता है, गुरु मैं बोले वैसा सुनता है, ये बात अपनी अपनी नजदीक रहते हैं तो ऐसा ही होता है। शंकराचार्य जी को भी ऐसा आज तक कोई गुरु नहीं हुआ जिसको ऐसे शिष्य ना मिले हो जिसने अपने गुरु को थोड़े दिन रहने के बाद बस मैं और गुरु एक ही है समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरे और गुरु में कोई परंपरा नहीं, मेरे और गुरु में कोई फर्क नहीं है। इसी कारण गुरु जी के पद्मपाद नाम का शंकराचार्य वह शिष्य था, उसने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे ये गुरु रहते हो मुझे कोई नमस्कार नहीं करेगा। ऐसा करते हैं इसको इनको विष ही दे देते हैं, और उन्होंने शंकराचार्य को विष दिया। तो एक बार दूसरा शिष्य जिनकी जो लंगोट धोने वाला था, लंगोट धो रहा था तो लंगोट को सब खून ही खून लगा हुआ। ये देखकर वो आश्चर्यचकित होकर गुरु के पास गया और कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, तुम्हारे लंगोट को पूरा खून निकल रहा है। अरे बोले क्या बताऊं, मुझे इधर से पीछे से सब खून जा रहा है, क्यों ऐसा क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर को बताएंगे। पहले तो अपने गुरु ने नहीं बताया कि क्या हो रहा है। उसने कहा ऐसा क्यों हुआ, आप तो योगी है, आपके पास सब कुछ है। तो उसने कहा ईर्ष्यावश पद्मपाद ने मेरे को विष दे दिया है ताकि इस विष को मैं निकल सकूं, और उसको कोई नमस्कार नहीं करते, उसको कोई देखते नहीं, इसलिए उसने विष दे दिया है। कि आज ही आप सुप्रतीस हुआ और बहुत सारे राजाएं हुए जो भगवान के भक्त थे, उनको कोई नहीं, अपने ही लोग विष प्रदान करते हैं, अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु मेरे हाथ का जेब का आदमी है, मेरे साथ घूमता है, मेरे साथ रहता है, उसको पाँव पड़े या ना पड़े क्या बात, क्या प्रेशर चलती है। ये जब तक हुआ तब तक शिष्य को और गुरु को दोनों को अनुभव करना पड़ा। बाद में जब पद्मपाद उस शिष्य ने कहा कि मैं जाके उसको मार दूंगा, दूसरे शिष्य ने पद्मपाद पर कहा तो गुरु ने कहा उसको मारो मत, उसने मेरी सेवा की है, गलती से उसको ईर्ष्या द्वेष हो गया है, वो आज नहीं तो कल सुधरेगा। बाद में उसने कहा क्या ये सच बता कि तू क्या विष दिया है गुरु जी को। तो पहले तो नकार नकार करता रहा, गुरु की शपथ खा कर गए, नहीं तो तुझे मैं यहाँ उस देवता की शपथ देता हूँ जिसकी शास्त्र विद्या के साथ तू मूर्ख बन जा। तब उसने कहा हाँ मैंने विष दिया, ऐसा कहा कि किस लिए किया है। तो उसने कहा कि मुझमें ईर्ष्या हो गई थी, शंकराचार्य को जितना ज्ञान है मुझे भी उतना ही ज्ञान है, इसलिए मैंने ये बात कही। ऐसी बात विशुद्धानंद से भी हुई। एक महात्मा थे विशुद्धानंद जी के पास आए, जो उनसे भी आयु में बड़े रहते थे, चारों वेदों के पंडित थे। वे आए और जहाँ विशुद्धानंद जी रहते थे वहां आकर उन्होंने उनके ही आसन पर उनका आसन जमाया, उनके आसन पर बैठे। जैसे ही शिष्य आ गए उन्होंने कहा कि तुम कहाँ बैठे हो, हमारे गुरु जी के आसन पर बैठे हो। उसने कहा तुम्हारे गुरु क्या बड़े हैं क्या, मैं उनसे आयु में भी बड़ा हूँ और चार वेदों को जानता हूँ, तुम्हारे गुरु को चार वेद आते हैं क्या, बैठा तो क्या हुआ। लेकिन शिष्य को नहीं, दिल में नहीं भाता। उसने कहा आपको उठना ही चाहिए, आप कितने भी महान हो कम से कम आपको सम्मान तो करना चाहिए, मेरे गुरु आपके पास नहीं है, आप गुरु के पास आए हैं, इसलिए आपको यहाँ की जो नियम है उसको पालना ही होगा। आखिर वो उठ ही रहे थे कि उतने विशुद्धानंद जी आए। विशुद्धानंद जी ने आखिर कहा क्या बात हो रही है।
बोले तुम्हारे शिष्य पूरे मूर्ख है, मेरे वायु को भी नहीं देखते, मेरे ज्ञान को भी नहीं देखते। दारण, तुम कहां से आए हो? कुछ भी आए हो, चार वेदों का ज्ञाता हूं, मेरी आज उम्र इतनी इतनी है और मेरी आयु इतनी है। और उन्होंने तुम्हारे आश्रम से उठा गया। लोग तो कहते हैं रामचंद्र जी जैसे लोग भी जब ऋषि उनके घर में जाते थे उनको उनका आसन देख कर अंतपाध्याय भी दिया करते थे। आज तुम्हारे शिष्य ने हमें उठा लिया, ये कहाँ का संस्कार है? सिद्धार्थ ने कहा क्षमा कीजिएगा, उनको नहीं मालूम, फिर भी आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आए हैं कि कहते हैं आपके पास ज्ञान है, आप सारी चीजों को देख सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। यज्ञ में तो आज अग्नि की सृष्टि करने वाले कोई रहा ही रहे ही नहीं, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, फिर भी मंत्र से यज्ञ को यज्ञ में अग्नि का निर्माण नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हैं? वो विद्या आपके पास है, मैं तो समझता नहीं कि आप कोई अग्नि निर्माण करने वाला व्यक्ति तो यहाँ है। उसने कहा ऐसा नहीं, आपने नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि मैंने लंदन देखा तो लंदन ही नहीं है, मैं चंद्रमंडल पर चंद्रमंडल ही नहीं है, तुमने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, अग्नि की सृष्टि करने वालों को देखा है, अग्नि को मंत्रों के बल पर आने वालों को देखा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने कहा बेकार की बात मत करो, आप अगर अग्नि की सृष्टि कर सकते हैं तो मैं आपकी बात मानता हूँ, नहीं तो आप सिद्धार्थ जी का पद छोड़कर आज आप मेरे चरणों में नमस्कार करो। सिद्धार्थ जी बहुत समझाए, ब्राह्मण है, आयु प्राप्त है, लेकिन वो जिधर अड़ा ही था। तो सिद्धार्थ ने कहा महाराज जी बैठे तो सही, बैठे ऐसा ही बैठे, उनके ऊपर ऐसा ही गमछा डाला हुआ था। सिद्धार्थ जी ने मंत्र पढ़ा और उस गमछे को आग लग गई, अरे रे आग लगे, उसने निकाल के भीतर फेंक दिया। कहा महाराज जी जो आपने नहीं देखा है वो देखा नहीं, अगर मैं समझता था तो तुम्हारे पूरे शरीर को आग लगा देता, लेकिन मैंने यहाँ तक ही कार्य होता, ऐसा मत कहो कि अग्नि और सूर्य ज्ञान सूर्य विद्या सूर्य सिद्धांत को जाने वाले नहीं है, जिसको योग्य गुरु होता है उसको योग्य ज्ञान होता है, वो प्रदर्शन नहीं करता, ये बात अलग, वो अपने अपने ज्ञान को अपने चक्र को प्रदर्शन नहीं करता। मैं इतना ही कि आपके गले में हाथ डालकर घूमता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके तरह हो गया, ये नहीं है बात, कि हमारे हम अगर अपने गुरु को नहीं समझते तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं बैठ के यहाँ हजार लोगों को दे सकता हूँ तो वो समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार इसलिए मैं बात आज कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कार्य करते समय गुरु आज्ञा का पालन न करते हैं और अपने आप को विद्वान समझते हैं या अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो ये बात हर बार भी कभी न कभी उनको लेकर डूबेगी जरूर, और इस बात को हम ध्यान रखकर चलना चाहिए। अभी ये बात ऐसी हुई तो आगे मैंने आपको बोलते बोलते मैं रुक गया हूँ। ये चोल राजा का जो ब्राह्मण था, चोल राजा ब्राह्मण ने गुगल के ऋषि के पास उस ब्राह्मण के पास गए और पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु फलाना फलाना अगस्त महर्षि है और उनके मैं अगस्त महर्षि का शिष्य हूँ। उन्होंने कहा तो चोल राजा ने कहा मुझे अगस्त महर्षि के पास ले चलो, मैं आने के लिए तैयार। तो उसने कहा महर्षि अगस्त की अगर इच्छा हो तो ही आप वहाँ आ सकते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपकी इच्छा है आप आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं, उनकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। वो तो राजा उस ब्राह्मण के साथ अगस्त महर्षि के पास द्वार पर पहुँचे, अगस्त महर्षि बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं फलाने फलाने राजा का राजा चोल राजा, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपका एक शिष्य आपके एक वाक्य कहने पर तुलसी चढ़ाकर उसका अगर उद्धार होता है तो हम किस खेत की बोली है? तो आपके पास इसके अनेक विद्याएं होंगी, आप मुझे बताओ कि आप मेरा गुरु भी तो श्रेष्ठ है मुद्गल महर्षि, उसने मेरे लिए मेरे खातिर अपनी शिखा निकाल कर डाल दी और उसने ये बताया कि मैं श्रेष्ठ हूँ और उन्होंने भी मेरे को विष्णु का दर्शन करवाया, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। हे महर्षि अगस्त मुझे ये बताओ कि क्या मेरे गुरु में श्रेष्ठता नहीं है? ये बात उन्होंने महर्षि अगस्त के साथ कही। तो एक बात महर्षि अगस्त ने उनको जाकर कही तुम्हारे गुरु की श्रेष्ठता मैं जाता हूँ जानता हूँ, एक बात तुम्हारे गुरु को एक बात पूछ कर आओ कि हमारे पास ब्राह्मणों में जो संध्या विधि का विधान है वो कब से आरंभ हुआ? क्या ब्रह्मा ने एक ब्रह्मा संध्या करते थे, विष्णु संध्या करते थे, सप्तर्षि संध्या करते थे, महेश्वर संध्या करते थे, पार्वती संध्या करते थे, ये संध्या कब से आरंभ हुई? ये बात तो आपके गुरु को पूछ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ है बोलता हूँ। चोल महाराजा परेशान हो गए और अपने गुरु के पास गए और पूछने लगे कि महाराज अगस्त्य महर्षि ने ये बात पूछी है कि क्या ब्रह्मा संध्या करते थे, विष्णु संध्यावंदन करते थे, महेश्वर संध्यावंदन करते थे, माता पार्वती आदि संध्यावंदन करते थे, ये क्या बात हुई कि हाँ संध्यावंदन कब से आरंभ हुआ, इस युग में कौन से युग में संध्यावंदन आरंभ हुआ?